I think बहुत जरूरी है. मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए जो अवेयरनेस बना बता सके, जहाँ पे एक्सपर्ट्स हों, जिनको नॉलेज हो, जहाँ से हम लोग कुछ सीख सके, जहाँ से हम लोग लोगों को सिखा सके. हर इंसान फिट होना चाहता है, लेकिन वो जो ड्राइव है, जो अवेयरनेस है, वो नहीं है. आई थिंक इट्स ह्यूज कैंपेन, यू नो, फिट इंडिया. आई थिंक द होल कंट्री हैज टू बी पार्ट ऑफ इट टू मेक इट ह्यूजली सक्सेसफुल एंड टू इंस्पायर इट. मुझे लगता है जो टॉर्च हम सब ने हाथ में पकड़ी है, वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में घुमानी है, ताकि यू नो दिस कंट्री कैन बी बेटर एंड फिटर प्लेस टू लिव. मुझे लगता है कि आपको खुद से बहुत प्यार करना बहुत ज़रूरी है. कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आज मेरे पास समय नहीं है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत लेट सोया था, मैं आज मीटिंग्स बहुत हैं. आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 22 घंटे होने चाहिए. 2 घंटे जो हैं वो फिटनेस के लिए हैं, चाहे आप अच्छा खाएं, अच्छा जिम जाएं, कुछ भी करें. उस 22 जिस इंसान की ज़िंदगी में वो 22 घंटे की कैलकुलेशन होगी, वो अपने आप 2 घंटे निकाल ही लेगा. सप्लीमेंट और रूटीन को लेकर एक मेंटालिटी है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ही आपको जी यहाँ पर इसे कैसे करते हैं. मुझे लगता है कि जो सप्लीमेंट्स की बात करें या प्रोटीन्स की, बहुत लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं कि पता नहीं कुछ सही है नहीं सही है, या कुछ बॉडी को तकलीफ तो नहीं होगी इससे. यहाँ पर ये जो कैंपेन्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पे काम आते हैं कि कितनी ज़रूरी है ये सब चीज़ें बॉडी के लिए, लेकिन सही चीज़ें सही मात्रा में और सही टीचर, सही गाइड करने वाले लोग चाहिए. आई थिंक ग्लैनविया की जो ये मूवमेंट है वो इतनी कमाल की है. मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ. मैं आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द मैगजीन और मैं देख रहा था कि कितनी एफर्ट्स डाली गई हैं टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस. और जब मुझे ऐसा लगता है कि जब टीचर्स आपके अच्छे हों तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा ही आता है, और यहाँ पे टीचर्स बहुत कमाल के हैं तो रिजल्ट्स 100% अच्छे ही आएंगे. या आई वुड से जो आजकल हमें चीज़ें मिलती हैं मार्केट्स में, डेफिनेटली यू नो वी एवरीवन नोज की प्योर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. और ये हमारे हाथ में कितना कंट्रोल करना हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बदलें, हम सही खाएं, हम सही जो चीज़ों की ज़रूरत है. मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं जो वेजिटेरियन लोगों के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप सही लें, और हमेशा सीखने की कोशिश करते रहें. मुझे लगता है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती. मैं आज भी, मुझे कितना भी लोग बोलें कि मुझे फिटनेस की बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी रोज़ सीख के जाता हूँ. और जब तक आपके पास गाइड करने वाले सही लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत हो ही नहीं सकते. आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि फूड अच्छा नहीं मिलता तो इसलिए यार मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं फिट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ. वो फूड सभी के लिए वैसे ही है, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द राइट डाइट, राइट पीपल, एंड जस्ट लव योर सेल्फ. सोनू, सोनू, जहाँ लोग सब्जियाँ खरीदना इतना महंगा हो रहा है, बस आपने कहा कि वो सब्जियों में भी आपको सही प्रोटीन नहीं मिलता जी, तो वैसे लोग कैसे इस प्रोटीन को अफोर्ड करेंगे? जैसे आपने बताया कि आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर हैं, वो वही मकसद है कि अवेयरनेस क्या है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंच सकती हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं नॉलेज. लोग घबराते हैं कि यार हम सुपरमार्केट्स में ये सब चीज़ें बहुत महंगी हैं, वो कैसे पहुंचेंगी. पर आई थिंक वो उन सब चीज़ों के कारण ही ये मूवमेंट शुरू हुई है, ये कैंपेन शुरू हुआ है फिट इंडिया की. जिन लोगों का वो एक्सेस नहीं है, जिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उनको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दिलाना है और बताना है कि बॉस अगर आपकी हेल्थ के लिए हर चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, हर चीज़ अवेलेबल है, सही लोग अवेलेबल हैं, सही दामों पर अवेलेबल है, सिर्फ आपको उस तक पहुंचना है. सो आई थिंक दैट्स अ कनेक्शन वी आर ऑल हियर फॉर. सर आपसे बात करना जी. So, I'm just from our point of view, in terms of do you see more of these types of things that are required by corporates in terms of just general awareness? What would you say is going to change the what do you think is going to be the single biggest factor that's going to change this, change the community in terms of their attitude towards their fitness and health? Like I said, you know, everyone wants to get in fit, but again, the knowledge is very less. There are very few people who actually want to bring this issue forward. And I think all thanks to you guys that, you know, you have changed the whole face of India. That attempt is there. And I think that the torch that you have tried to give in our hands, and I think together as a family, together as a team, we should march forward and bring that awareness that, boss, everything is available, everything is right, just you need to get right knowledge and right people. And I think with all the corporates coming together and especially, you know, I just got to know about it, like all those 1,000 villages have been will be pumped with all these information and all the right foods. I think it's a huge thing, and you know, I'm really blessed to be part of this family here. Okay. Sir, come. Sir, come.
देखिए पल्टन के शूट से आ रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 50 दिन से लद्दाख में हूँ, सीधा वहीं से आ रहा हूँ, यहाँ से सीधा वहीं जा रहा हूँ, इसलिए हालत भी बिगड़ी हुई है इस समय, बट लाइक वी शूटिंग इन इन आई मीन जो भी टेरेन है वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, टेम्परेचर -5 -10 है इस समय, और लेकिन मज़ा आ रहा है. JP दत्ता आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द होल फिल्म. जो कुछ हमने 45-50 डेज में शूट किया है, सो आई वुड से इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड होप व्हेन द फिल्म कम्स इन अदर 4 months 4-5 months whenever the product is ready, every Indian will be proud of it. फिट इंडिया की बात करते हैं. तीन चार साल पहले मेरे क्रिकेट खेलते समय टांग टूट गया था और मेरे 2 plates और 17 स्क्रूज डाले थे, और मैं अंबानी हॉस्पिटल में जब जाके पहली दफ़ा स्टिचेस खुलवाए तो मैं वहाँ से डायरेक्टर जो मेरे डॉक्टर थे मैं उनसे वही पूछा कि सर मैं यहाँ से जिम जा सकता हूँ, तो कहते आई श्योर यू वांट टू गो इट, तो मैंने बोला हाँ. तो मैं वैसे ही क्रचेस के साथ जिम गया, वहाँ बैठा और मैंने एक्सरसाइज किया, एंड जो डॉक्टर्स बोले थे कि 8 से 10 महीने रिकवरी में लगे, तो मैं 2.5 महीने में वापस ऑन सेट था. सो आई थिंक फिटनेस के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. आप यहाँ पे खूब इंटरव्यूज़ लेंगे, खाना वाना खाएंगे, रात को घर जाएंगे, लेकिन आप खुद को बैठ के रात को सोचना है कि आपने आज अपने लिए क्या किया. आपने अपने प्रोफेशन के लिए इंटरव्यूज़ लिए, बहुत मेहनत की, ट्रैफिक में घूमे, लेकिन आपने खुद के लिए क्या किया. आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए, और अच्छा खाइए, जिम जाइए, फिट रहिए. आई थिंक आपको महसूस होगा कि लाइफ में क्या बदलाव आए हैं. सो आई वुड, जो ऐसे सोनू ने बताया कि फिट रहने के लिए अपने आप को पहले लव कीजिए, और अपने अपने लाइफ में कम से कम 40 मिनट हो तो 2 घंटा बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 45 मिनट्स ऑफ योर प्रेशियस टाइम अपनी ज़िंदगी के निकालिए और अपने आप को कमिट कीजिए. जब पहले आप चेंज खुद होंगे तब आपका परिवार चेंज होगा, उसी के बाद सोसाइटी चेंज होगा. अब अपने आप में वो चेंज लाइए, और फिटनेस का गोल उनके लिए अलग है. ये बॉलीवुड के स्टार हैं, एक फिटनेस आइकन है, उनके लिए अलग है. हर आदमी का अपना फिटनेस गोल होना चाहिए, गोल अलग नहीं होता, सब गोल अच्छा होता है, बट उसके लिए आपकी कमिटमेंट एंड उसके साथ पुष्टिकर खाना, जो खाने की आपकी ज़रूरत है, आपका कितना रिक्वायरमेंट है. आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई यहाँ आके बात कर रहा है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस अनुसार आप खाइए. सेल्फी ले सकते हैं तो अपनी फूड की प्लेट की भी सेल्फी लीजिए और देखिए आप क्या खा रहे. जी, ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट रेडी हो गया है. जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 50 दिन से लद्दाख में हूँ, अभी 10 से 12 तारीख को हम लोग स्केड्यूल ख़त्म करके वापस आ रहे हैं. स्क्रिप्ट रेडी हो चुका है, कुछ एक्टर्स ने सुना भी है, बड़ा कमाल लगा है सब कुछ. होपफुली इस महीने में आपको नाम की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, और आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू स्टार्ट द मूवी. आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट द शूटिंग आल्सो. सर, हम जब आज यहाँ बात कर रहे थे, हम वैसे लोगों की बात कर रहे थे, इंडिया में बहुत एक पॉपुलेशन है जिनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ग्लैनविया उन तक कैसे पहुँचेगा, उनको क्या फ़ायदा होगा इस कैंपेन का? देखिए, जैसे हमने बताया इस कैंपेन में, हम महाराष्ट्र में दो गाँव 1000 गाँव के में जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ ओबीसीटी नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीज है, दूसरी तरफ मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी है, और मैल न्यूट्रिशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक अफोर्डेबल 2 रुपया का एक शैशे निकाला है, जो 15 मल्टी वाइटामिन मिनरल शैशे है. यह आदमी अपने खाना में स्प्रिंकल कर सकता है, उसकी अपनी जो डाइटरी नीड है उसको एड्रेस करती है. तो कम आप अगर सोच लीजिए, एक परिवार इसमें 4 लोग हैं और 30 दिन हैं, तो ये कम से कम 100-150 रुपये में उनकी पूरी रिक्वायरमेंट ये सारे महीने का हो सकता है. बट एज सोनू सेड, एज अवर चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेड, ये तभी यूज़ करेंगे जब आप उनको एजुकेट करेंगे और उनको उससे फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी ज़रूरी है. तो ग्लैनविया इस सिर्फ ओबेसिटी लाइफस्टाइल में नहीं काम कर रही है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए भी हमारा जो दूसरी डिवीजन है ग्लैनविया न्यूट्रोशूटिकल में ये प्रोडक्ट. सर, आने वाले दिनों में क्या ऐसे दिन भी आप देख रहे हैं जहाँ लोग सरकारी सब्जी खाना बंद करके लोग न्यूट्रिशन पाउडर और इस तरह इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे? जी नहीं, हम ग्लैनविया में ये बिलीव करते हैं, और आई एम श्योर सोनू विल एग्री, फूड फर्स्ट. फूड मतलब खाना पहले, सप्लीमेंट इज ओनली टू सप्लीमेंट, फूड फर्स्ट. मैं ये नहीं बिलीव करता
कोई भी आदमी मुझे बोल दे कि खाना आपको खाना पड़ेगा और रिक्वायर्ड मात्रा में खाना पड़ेगा, अगर उससे आपको पौष्टिकता नहीं मिलती है जो सोनू ने बताया है, मिनिस्टर साहब ने बताया, तब उसके लिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत है। और इसीलिए आपको अच्छे सलाहकार की जरूरत है, अच्छे ट्रेनर की जरूरत है जो आपको उस तरह से गाइड करे। हम न्यूट्रिशन कंपनी है बट हम पहले बोलते हैं फूड फर्स्ट, पहले खाना खाइए उसके बाद। सर सब आंखें और कान बंद कर लो। सर जिस तरह से शरीर की आपको कह रहे हैं कि मन को भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप स्वच्छ सोच रखने के लिए? आज का देखा जा रहा है समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार, बच्चों के प्रति दुराचार, देखिए जो जो आपने स्वच्छ सोच की बात की वो भी स्वच्छ शरीर से ही शुरू होगी। अगर आप खुद अगर आप मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कभी आज तक ड्रिंक नहीं किया, मैंने आज तक कभी सिगरेट टेस्ट नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि ऐसी आदतें लगेंगी या नहीं लगेंगी, शायद फिटनेस में शुरू में आ गया तभी कभी लगी भी नहीं हो आते, वो चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं गया। तो आई फील कि ये जो सोच है या वो तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग ही आपको बताते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो क्या सोचते हैं। आप सिगरेट पीएंगे तो मैं आपको बोलूँगा सिगरेट नहीं पीनी, आपको छोड़ दीजिए सिगरेट, तो आप अगर छोड़ देंगे तो शायद मेरी सोच आपके कुछ काम आई। सो आई फील कि अगर आप खुद में बदलाव नहीं ला सकते तो मुझे लगता है आपके पास ऐसे लोग, आपके आपकी कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी रूटीन्स बदल सके, जो आपके एक्सक्यूजेस को पछाड़ सके कि बॉस कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये करना है आपको और ऐसा करना है। सो आई थिंक कंपनी मैटर्स अ लॉट, और इफ़ यू आर फिजिकली फिट आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग राइट एंड यू बिकम मेंटली ऑल्सो फिट। सो आई थिंक इट्स अ यू नो वाइस वर्सा, आई वुड से इट्स अ कॉम्बिनेशन विच गोज हैंड इन हैंड। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छी सोच बन जाएगी। सो आई थिंक अच्छा आप सोचना शुरू कीजिए और देखिए फिर आप कैसे फिट हो जाएंगे।